रायपुर ठिकाने में शोभा चौहान का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में स्वागत समारोह रखा गया। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दीवान माधो सिंह के सानिध्य में प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है, जिनका आज रायपुर ठिकाने में ठाकुर साहब द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शोभा चौहान को समर्थन देकर भारी वोटों से विजय बनाने की अपील भी की गई। आई मात के चरणों में भी मैं सशस्त्र नमन करते हुए आज रायपुर ठिकाने में विराजमान मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति एवं सम्मानित मंच में विराजमान रायपुर ठिकाने के परम सम्मानीय श्रीमान ठाकुर करण सिंह जी साहब, सिरवी समाज के सम्मानीय धर्मगुरु माधु सिंह जी दीवान साहब एवं कुंवर मानवजीत सिंह जी साहब एवं सबलपुरा सरपंच साहब कान सिंह जी, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी राठौर साहब, कमालुद्दीन जी, महबूबा शेख जी, संपत साहब, लीलांबा पंचायत समिति सदस्य कृष्णपाल सिंह जी, कुशालपुरा पंचायत समिति सदस्य कृष्णपाल कृष्णा, हमारा पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं एवं युवा साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज रायपुर ठिकाना मैंने आपरो दीवान साहबरो मारो जो आप सम्मान राख्यो इन वास्ते मैं सादर ऋणी हूँ। और ठिकाणा रो तो हमेशा ही मान सब माते रेवला के मैं तो अटारी रेवन वाली हूँ, आपकी अटारी बहू हूँ, तो बहू और बेटी में हमरे कोई फर्क नहीं। तो आप मार माते पूरा गांव रा जो मारा पिता तुल्य बुजुर्ग विराजमान है, मैं तो आप नहीं तो इस कहूँ कि आप सब मार माते आशीर्वाद बनाए रह जो ताकि विकास री गंगा इन्हीं तरह बहती रहे। और कमल रे फूल माते आप बटन लगाए और मने भारतीय जनता पार्टी रो जो आशीर्वाद प्रदान कराए, तो आप रे में बहुत बहुत आप सब रो आशीर्वाद रो इस परिणाम है कि मैं आज मने भी आज आप रे अटारी बहू ने कोई टिकट मिलियो तो आप रे गांव रे वास्ते मैं कुछ कर सकूं। तो मैं तो वही चाहूँ कि आप मार माता आशीर्वाद एड़ो रेड़ो बढ़िया रख जो। बहुत बहुत धन्यवाद। जब विभिन्न पार्टियों के और विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस प्रकार की हवा चली थी कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन आएगा। मित्रों, मैं आपसे एक चीज फिर बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस लड़ी नहीं रही, कांग्रेस कांग्रेस से ही लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 100% यहां पे शासन आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप जैसे एक छोटी बात नहीं है, वहां की व्यवस्था बिल्कुल डगमगा चुकी है। आपने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया। आज मित्रों, ये मान के चलना मैं चुनाव के बाद में आपके बीच में फिर उपस्थित हूंगा, कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस लड़ी नहीं रही है, कांग्रेस कांग्रेस में ही लड़ रही है। 4-5-6 मुख्यमंत्री पता ही नहीं कौन है कहाँ है चल रहा है, फिर भी मैं मेरी बात को यहाँ विराम देते हुए। आप रायपुर के प्रधान भी हैं वर्तमान में, और इस बार आप सोलह विधानसभा के कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से आपके एजेंडे रहेंगे जिस तरह के साथ भाजपा की ओर से विनर घोषित हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है उसके अनुसार में जो भी मुद्दे हैं वहाँ के जो ज्वलंत समस्या है अभी जो लोगों ने सोचित की जनता ने और बताई, हमारे क्षेत्र के लोगों ने बताई, मेन यहाँ की पानी की समस्या है, एक जो रोड PWD की सोजल में प्रॉपर मेन रोड में जो खराब हो रखी है, वो एक डोमा वार्ड जो अभी काफ़ी टाइम से खराब पड़ा है, एक ICU वार्ड भी बंद पड़ा काफ़ी टाइम से, तो ये लोगों की जो ज्वलन समस्या है मैं उनके जानता। आपका क्या रहेगा जैसे कोई भविष्य में कोई चुनाव लड़ने का इरादा है या आपको सदस्यता ग्रहण की उसके बाद आपको कैसा लगा पार्टी के साथ में ज्वाइन करने? पार्टी में ज्वाइन करने से बहुत अच्छा लगा और जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस हिसाब से काम करेंगे, चुनाव की और वो सब अभी सोची नहीं है, काम कार्यकर्ता की तरह पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के लिए काम करना, यही अभी सोच है। यहाँ के स्थानीय जो सोलह विधानसभा के प्रत्याशी शोभा जी चौहान जो खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, तो इनके साथ आपके और आपके अभी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट भी पूरी तरह से है, फिर आप जब विधानसभा क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने रखे जाएंगे? अब देखिए, जो भी भाजपा का पुराना जो इतिहास रहा है, जो हमने विकास के कार्य किए हैं, जो पिछले 5 साल में वसुंधरा जी के कार्यकाल में काम हुए हैं,
उन्हीं कार्यों के साथ हम आगे जाएंगे और आगे जो हमारा प्लान है वो आगे बताएंगे लोगों में, और लोगों में भाजपा के प्रति बहुत प्रेम है और हम ही सरकार बनाएंगे ये भी निश्चित है। इस बार सर आपने लूनी बांध का भी अच्छा मुद्दा भी उठाया है, तो सर इसके बारे में बोल सर। मुद्दा उठाया है क्योंकि ये लोगों की डिमांड है और ये हमारी ज़रूरत है और हम उसमें आगे काम करेंगे, आगे तक बात पहुँचाएंगे और होगा तो ज़रूर हमारी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग की और अचानक भाजपा छोड़ने का कोई विजन? अचानक नहीं हुआ, कोई निर्णय होता है तो बड़ा सोच समझ के, और जब आदमी गले तक पड़ जाता है कि अब अपने पास कोई इज्जत रखने का, अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब आदमी इतना कठिन निर्णय लेता है और उसी परिस्थिति में मेरे को ये निर्णय लेना पड़ा। भाजपा की आप नई उम्मीदवार भी उतारे हैं सुभाजी चौहान, और आपको भाजपा आलाकमान की ओर से जिम्मेदारी भी दी होगी कि इनको जिताने के लिए कोई विशेष क्या प्रतिक्रिया है सर कि आपको जिताने के लिए कोई? नहीं, मैंने बिल्कुल अनकंडीशनली तो ज्वाइन की और किसी को जिम्मेदारी देनी सौंपने की आवश्यकता ही कहाँ है। जब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, आप अपना कर्तव्य बनता है, आपका अपना फर्ज बनता है कि आप जिस उम्मीदवार के प्रति आपकी भावना है, जिस उम्मीदवार के प्रति आपको ये पक्का विश्वास है कि वो खड़े उतरेंगे, उसके लिए प्रचार करने के लिए कोई मनवार करने की या कहीं आदेश करने की जरूरत ही नहीं। स्वतः ही पार्टी ज्वाइन करके जहाँ जहाँ उचित समझा मैंने उन सबको संपर्क में आया, और संपर्क में आके मैंने कहा भाई मेरी सेवाएं उपलब्ध हैं, जहाँ उपयोग करना होगा उपयोग करो। कल जताड़ो बिलाड़ा में प्रोग्राम था, आज यहाँ हो गया, फिर कल वसुंधरा जी का कार्यक्रम बिलाड़ा है उसमें शामिल होऊंगा, उसके बाद मध्य प्रदेश से भी मांग आ रही है साहब वहाँ जल्दी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ आइए उधर चले जाएंगे। कहीं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके साथ रहेंगे खुल के रहेंगे दिलो जान से रहेंगे। सर एक सवाल ये भी, जैसे अभी आपने भाजपा की सदस्य ग्रहण की है तो आगे भविष्य में आप भाजपा से कोई चुनाव वगैरह लड़ने का ऐसे कोई मानस वगैरह आपका रहेगा क्या? तो बता अभी सदस्यता अपन ने परिस्थितिवश ग्रहण की, अब एक बार जब आप पार्टी में आ जाते हो तब वो पार्टी क्या करती है कि आपकी कहाँ उपयोग लेना कहाँ नहीं लेना। जो अपन ने 5 बार MLA रह गए, मंत्री रह गए, ऐसी कोई तमन्ना बाकी नहीं रही कि साहब ये करेंगे ये नहीं करेंगे, पर जब पार्टी में आ जाते हो फिर अपना स्वयं की इच्छा दूसरे नंबर पर आएगी, पार्टी की आवश्यकता और पार्टी का आदेश वो प्राथमिकता पर।